आजकल आप केवल एक ही डिवाइस पर अब लगभग कुछ भी कर सकते हैं, परंतु चीन में आप केवल एक ही ऐप पर अपने पसंद का लगभग कुछ भी कर सकते हैं। और इस सभी के लिए एक ही कंपनी है, टेंसेंट। न केवल ये चीन की सबसे बड़ी सोशल नेटवर्क है, बल्कि ये दुनिया की सबसे बड़ी गेमिंग कंपनी भी है और पांचवी सबसे बड़ी इंटरनेट कंपनी। ये मार्केट कैप में 500 बिलियन डॉलर की टेक कंपनियों की सूची में बड़े नामों में शामिल हो गया है, जिसे ये ऐसा करने वाली एशिया की पहली कंपनी बन गई है। तो चीन से निकलने वाले इस विशाल कंपनी के पीछे क्या है? टेंसेंट एक चीनी निवेश कंपनी है, जिसे बहुत बहुत सारी शाखाएं मिलके बनाती हैं, जिसमें सोशल नेटवर्क, पेमेंट सिस्टम, मीडिया, एंटरटेनमेंट, स्मार्टफोन्स, ई-कॉमर्स, प्रॉपर्टी, एडवर्टाइजिंग और भी बहुत कुछ है। कंपनी का स्टॉक 11,000% से भी अधिक हो गया है, जब से ये 2004 में हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज पे पब्लिक हो गई है। और अगर आपने कभी ये सोचा हो, काश ऐसा ऐप होता जो कुछ ऐसा कर पाता, संभावना है कि टेंसेंट में ऐसा हो। इस विशाल समूह के केंद्र में विक्सिन ऐप है, जो चीन के बाहर वीचैट से जाना जाता है। इसे ऐसे समझे कि जैसे फेसबुक और व्हाट्सएप एक ही ऐप में हो, पेटीएम और कैंडी क्रश भी टिंडर और अमेजोन के साथ, और इसके बाद भी ये और काम भी कर सकता है, जैसे डॉक्टर की बुकिंग करना या यह पता लगाना कि किसी स्थान पर कितनी भीड़ है। वीचैट पर लोगों की संख्या 1 बिलियन तक पहुंच गई है। तो वीचैट इतना लोकप्रिय कैसे हुआ? यूएस में 1999 में हर 100 लोगों के लिए लगभग 50 कंप्यूटर थे, और चीन में प्रत्येक 100 लोगों के लिए लगभग एक कंप्यूटर था। इसका मतलब है कि चीन में ज़्यादातर लोग पहले इस डिवाइस के जरिए इंटरनेट से परिचित हुए। और आज के समय में चीन में मोबाइल उपयोगकर्ता की कुल संख्या इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या के समान है। संवाद करने का पसंदीदा तरीका चैट ऐप्स हैं, और यह केवल दोस्तों परिवार के लिए नहीं है, ये लोगों के लिए व्यवसाय करने का एक सामान्य तरीका है, सहकर्मियों और यहाँ तक कि अजनबियों के साथ ऐप का उपयोग करते हुए। यदि आप 2000 के दशक की शुरुआत में वापस जाते हैं, तो आप टेंसेंट चैट ऐप की लोकप्रियता देखेंगे। मा हुतैंग और उनके सह संस्थापकों ने 1998 में शेंजेन, जो कि चीन की टेक राजधानी है, वहाँ टेंसेंट शुरू किया। कंपनी को चीन के बढ़ते इंटरनेट कैफे की मांग को पूरा करने के लिए बनाया गया था, और इसने अधिकांश पैसे ऑनलाइन गेम्स और एक टेक्स्ट मैसेजिंग सेवा से कमाए। अब मा हुतैंग देश के दूसरे सबसे अमीर आदमी हैं, और इसकी अनुमानित कीमत 42.3 बिलियन है। यह गूगल के संस्थापकों से कई अधिक है, जो उन्हें दुनिया का 9वां सबसे अमीर आदमी बनाता है, और वह उस धन के लिए टेंसेंट के विशाल पदचिन्ह का धन्यवाद कर सकते हैं। टेंसेंट ने कई कंपनियों में अधिग्रहण किया है और निवेश किया है। यह पता लगाना लगभग असंभव है कि यह कहां शुरू होता है और कहां समाप्त होता है। सबसे पहले सोशल नेटवर्क्स हैं। वीचैट के अलावा क्यूक्यू है, जिसमें 860 मिलियन उपयोगकर्ता हैं। इसके बाद कई डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं जो इनके पास हैं, और वीचैट के रूप में यह चीन के बाहर पहला कदम रखने वाला है। मनोरंजन भी इसका एक बड़ा हिस्सा है। ये वास्तव में दुनिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर गेम पब्लिशर है। ये आर्ट्स और एक्टिविजन ब्लिजर्ड से बड़ा है, और अगर ये कम लगता है तो इसके पास सूचना और समाचार पोर्टल भी है। इसके पास क्लाउड प्रोवाइडर्स भी हैं। इन्होंने हाल ही में AI इंटेलिजेंस में कदम लिया है। इसके प्रतिद्वंदी अलीबाबा की तरह टेंसेंट भी चीन के बाहर जाने की सोच रहा है। कंपनी ने अमेरिकी कंपनियों में निवेश किया है, जिसमें टेस्ला और स्नैपचैट शामिल हैं, और ये उन कंपनियों में निवेश कर रही है जो उड़ने वाली कारें और एस्टेरॉयड माइनिंग का परीक्षण कर रही हैं। कंपनी ने घोषणा की है कि वह ई पेमेंट लाइसेंस प्राप्त करने के बाद मलेशिया में अपनी वीचैट की सेवा को चालू कर देगी। ये पहली बार है जब कंपनी ने चीन के बाहर विस्तार करने के लिए इस तरह का लाइसेंस प्राप्त किया है। टेंसेंट भी अपना लोकप्रिय वीडियो गेम किंग ऑफ ग्लोरी को अमेरिका में लाने की योजना बना रहा है।